हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि 1 जुलाई 2024 से रेलवे ने किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा को अलाउ करना बंद कर दिया गया है, चाहे वो स्टेशन का हो या फिर आपने ऑनलाइन बुक किया हो। बात करें अगर हम ऑनलाइन टिकट की ना, तो ऑनलाइन टिकट जो वेटिंग में रहता है, जो 4 प्रिपरेशन के बाद भी कन्फर्म नहीं होता है, तो वो तो वैसे भी अलाउ नहीं होता है और वो टिकट जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, जिसका रिफंड पैसेंजर्स को मिल भी जाता है। लेकिन अगर आप स्टेशन का वेटिंग टिकट लेते हैं, तो फिर आप उसके साथ भी जो है ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम जानते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेटिंग टिकट के साथ जो है ट्रेन में घुस जाते हैं या फिर विदाउट टिकट भी घुस जाते हैं। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कितनी पेनाल्टी जो है लगाई जाएगी। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं, तो रेलवे का पहला नियम तो ये है कि आप जो है किसी भी आरक्षित कोच में ना बैठें। अगर आपका वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप उसी टिकट को लेकर, कोई भी अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है, उसी ट्रेन के जनरल क्लास में जा सकते हैं। ये सबसे सिंपल नियम है रेलवे का। लेकिन अगर आप आरक्षित कोच में ही जा रहे हैं वेटिंग टिकट के साथ, तो बात करें अगर हम स्लीपर क्लास की, तो उसमें जो है आपको 250 रुपये का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा, प्लस जो ट्रेन का सोर्स स्टेशन है जहां से ट्रेन चल रही है वहां से और जिस स्टेशन पर आपको उतरना है वहां तक का जो है किराया भी आपसे लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको जो है ये काफी महंगा पड़ने वाला है। और दोस्तों, अगर हम बात करें 3rd AC 2nd AC की ना, तो उसमें जो है ये चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब जो चार्ज आप स्लीपर क्लास में 250 देंगे, वही चार्ज आपको 3rd AC 2nd AC में 440 रुपये का देना पड़ेगा, प्लस जहां से ट्रेन चल रही है वहां से और जहां आप उतर रहे हैं वहां तक का जो है किराया भी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो सारे चार्जेस हैं आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस आपने जो वेटिंग टिकट का फेयर पे किया है स्टेशन पर, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो काफी महंगा पड़ने वाला है आप लोगों को अगर आप वेटिंग टिकट के साथ किसी भी आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रूल थे जो आप पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब हम थोड़ा सिंपल व्यू में इसको देखते हैं। दोस्तों, ये नियम जो है वो 1 जुलाई 2024 से लागू तो हो गया है, लेकिन अभी मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं, तो सभी ट्रेन में जो है TT उतनी अच्छी तरीके से जो है चेक नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें खुद की, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो है रिसेंटली दिल्ली से अम्बाला कैंट के लिए एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जिसका ट्रेन नंबर है 14521, दिल्ली अम्बाला कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों, इसका जो रैक है, इसमें एक 3rd AC का कोच लगता है, 2 स्लीपर क्लास के, बाकी लगभग सारे जनरल हैं। शायद AC चेयर कार का है या नहीं है, थोड़ा डाउट है, लेकिन सारे जो कोच हैं वो जनरल वाले हैं। सिर्फ 2 स्लीपर, 1 3rd AC का कोच लगता है। तो मैं स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था, तो उसमें होता क्या है कि जो काफ़ी सारे पैसेंजर जो है स्लीपर क्लास में भी घुस जाते हैं, जो कि जनरल का टिकट ले रखे हैं। और जब TT इनको चेक करता है, तो उनको जो है अगले स्टेशन पर उतर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसमें कुछ पैसेंजर्स तो उतर जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ पैसेंजर्स एक दो तो उसी में ही बैठे रहते हैं। अब TT बार बार आता जाता रहता है, लेकिन उनको चाहे इग्नोर करता हो या फिर उनको पता है कि हाँ एक दो पैसेंजर्स हैं। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये TTE के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितनी सख्ती से जो है TTE चेकिंग करता है और इन सभी रूल्स का वो भी पालन करता है। मतलब यह है कि अगर आप कोई वेटिंग टिकट के साथ उसमें मिलता है या फिर विदाउट टिकट मिलता है, जनरल टिकट वाले लोग जो है आरक्षित कोच में मिलते हैं, तो TTE जो है उनसे कैसे डील करता है, ये तो TTE के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेटिंग टिकट के साथ किसी भी आरक्षित कोच में घुस जाएं, क्योंकि नियम तो अप्लाई हो चुका है और हर TTE एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों, जब नियम बन चुका है तो चेकिंग तो जरूर से होगी। अब ये किस तरह से होगी, ये तो TTE के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इतने जो सारे चार्जेस हैं वो आप पर लगाए जा सकते हैं। और जो चेकिंग होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता भी दिया हूँ कि किस तरह की चीजें जो है इंडियन रेलवे में चल रही हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों को आप साइड में रखिए और आप जब भी ट्रेन में किसी भी आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं, तो प्लीज आप कन्फर्म टिकट के साथ ही यात्रा करें, नहीं आपको जो है अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। मिलते हैं आप जल्दी किसी नए वीडियो में रेलवे से जुड़ी ऐसे ही अपडेट और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।